नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज, साथ में एसएच भारत और चंपारण फर्स्ट। आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि यहां पे दरभंगा जो फोर लेन है, ठीक इसी के बगल में मुजफ्फरपुर से लगभग 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा ढाबा एंड रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है, जिसके प्रोप्राइटर हैं धर्मवीर शुक्ला। और यहाँ पे बड़े बड़े नेता दिग्गज सभी आए यहाँ पे इस उद्घाटन समारोह में, और साथ ही बिहार कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने फीता काट करके इसका शुभारंभ किया। बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो कृष्णा ढाबा रेस्टोरेंट जो खुला हुआ है, ये आम आवाम से लेकर के, मैंने एक ट्रक ड्राइवर से लेकर के बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आ करके और कम से कम पैसे में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। इसी मामले में मीडिया से बातचीत के क्रम में इस रेस्टोरेंट के जो मालिक है धर्मवीर शुक्ला, इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, बहुत दिनों से हमारे दिमाग में एक चल रहा था कि इस फोरलेन पे, जो देश का करीब करीब सबसे बड़ा फोरलेन है, इस पे एक बढ़िया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में एक बढ़िया रेस्टोरेंट ढाबा खोला जाए, जिसमें गरीब से लेकर अमीर तक आम आवाम के लिए हर तरह की सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि आसपास में जो होटलें हैं जिसके बारे में चर्चाएं चलती है कि बहुत महंगा है, जाने में डर लगता है, तो हमने इसलिए कोशिश किया कि एक ढाबा रेस्टोरेंट की व्यवस्था करें। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने आकर के इसका फीता काट के शुभारंभ किया है। हम उनका भी आपके माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं, और जो भी आज हमारे बुलाने पर सभी लोग आए हैं जिन्होंने इसको आज स्नेह पूर्वक आमंत्रण को स्वीकार किया है, और आप सभी मीडिया बंधुओं ने भी काफी संख्या में आकर के मेरा उत्साह बढ़ाया है, मुझे सहयोग किया है। मैं कोशिश करूंगा कि आम आवाम के उम्मीद पर ईमानदारी पूर्वक खड़ा रहूं, अच्छा और सच्ची व्यवस्था के साथ इस ढाबा को चलाएं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए जो व्यवसाय करने का तरीका है उससे मैं अलग यह काम किया हूं, क्योंकि मेरा ट्रेड था नहीं, मेरे दिमाग में था कि लोगों के दिमाग में होता है कि गए होटल में, बाप रे 3 आदमी 2000 लग गया, ये सब सुन के हमें भी लगा कि एक ऐसी व्यवस्था करनी है जिसमें लोगों को ये लगे कि नहीं, हम 100 रुपया में भी खा सकते हैं, हम 1000 में भी खा सकते हैं। उसी व्यवस्था के तहत इस कृष्णा ढाबा एंड रेस्टोरेंट हम और हमारे परिवार के भाइयों ने मिल करके इसको बनाया है, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था हम देंगे। बड़े मकान देख करके कोई भी होटल का कोई गरीब सोचता है कि इसमें ज्यादा महंगा होगा, उनके लिए क्या विशेष सुविधा है? इसीलिए हमने कृष्णा रेस्टोरेंट नहीं रखा है, ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ढाबा सुनते ही एक आम लोगों के मन में, एक ट्रक ड्राइवर के मन में, एक टैक्सी चलने वाले, एक पैसेंजर के मन में होता है, ढाबा शब्द ही अपने आप में होता है कि ये मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए भी, और हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ 100 रुपये में भी लोग अच्छा खाना खा के जाएंगे, स्वादिष्ट और हाइजेनिक, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। एक एक स्टाफ का मेडिकल सर्टिफिकेट, एक एक स्टाफ को फुल ट्रेंड, और बिजनेस मैंने होटल मैनेजमेंट किए हुए लोगों के साथ इसको चलाने की व्यवस्था हमने किया है। आने वाले दिन में एक बड़ा विवाह भवन जो करीब करीब 8000 स्क्वायर फीट का 3 महीने के अंदर लोगों को भी देने का काम कर रहे हैं। स्थापित करने का प्लान है? यही पे बगल में चालू है, बन रहा है हमारा उत्सव पैलेस, कृष्णा उत्सव पैलेस बन रहा है, जो जल्द ही उसका उद्घाटन होगा। आपके खाने का मतलब है कि मिनिमम चार्ज में अच्छी क्वालिटी का खाना यहाँ पे मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने सुन हाई क्लास के लोगों का होटल, मैंने आपको कहा कि टैक्सी ड्राइवर से लेकर के एयरपोर्ट से जो पायलट चलते हैं मुजफ्फरपुर के लिए, उनके लिए दोनों चीज को हमने, टैक्सी ड्राइवर से हवाई जहाज के ड्राइवर तक का, क्योंकि यहाँ बगल में हवाई अड्डा है और वहाँ के पायलट और स्टाफ मुजफ्फरपुर के कई होटलों में रहने आते हैं या फिर पटना जाते हैं, तो हमने कोशिश किया कि टैक्सी ड्राइवर से लेके हवाई जहाज के ड्राइवर तक को उनके बजट के हिसाब से। अच्छा, आप संक्षेप में ये बताएं कि आपके जो ढाबा और रेस्टोरेंट है, और जो रेस्टोरेंट उसकी अपेक्षा ये अलग है? ढाबा कंसेप्ट ही हुआ आम आवाम के लिए, रेस्टोरेंट उसमें जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जो भीड़ से हट के अलग खाना चाहते हैं, उनके लिए रेस्टोरेंट है। निचले से ऊपरी स्तर तक के लोग भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बस सुविधा में थोड़ी सी ऊंची नीची होगी, व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। रुकने की भी व्यवस्था है? नहीं, रुकने की नहीं है, विवाह उसके लिए बना रहे हैं, उसके लिए आगे भविष्य में करेंगे।
परिचय दे। धर्मवीर शुक्ला, ग्रुप ऑफ कृष्णा परिवार। धन्यवाद।